हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर्कुलर सीवर और रेक्टेंगुलर सीवर। अब हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर सीवर और सेमी इलेक्ट्रिकल सीवर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर सीवर, मतलब अर्ध गोलाकार सीवर। सेमी सर्कुलर इस प्रकार के सीवर उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहाँ पर अधिक भार अत्यधिक यातायात रहता है।
दूसरा मतलब होती है अगला आधार चौड़ा होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा था। यह सीवर भी सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं, इनका निर्माण कार्य स्थल पर ही किया जाता है। यह सीवर अधिक नमी अधिक मृदा में उपयोगी है क्योंकि ये जल्दी धंसते नहीं है। अब क्यों जल्दी धंसते नहीं है, इसका कारण यह है कि इसका जो बॉटम पोर्शन है यह अत्यधिक चौड़ा है, इस पोर्शन की वजह से ये धंसते नहीं है। तो आप इसको बना लीजिए, इसका थ्योरी आपको बता दिया गया है, तो आप इसको बनाइए। इसका ऊपरी भाग थोड़ा सा गोलाकार होता है
लेकिन इसकी ऊंचाई उसकी अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, तो चलिए इसको बनाया वीडियो देखते रहिएगा, तो निरंतर आपको आने वाली जितनी भी वीडियो
के बारे में बताया जाएगा। तो तब तक के लिए अलविदा। अब हम बनाएंगे अपना क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर पाइप जो कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक, जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं उसको बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जमीन के नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, उसके बाद हम नीचे अपने सीवर को प्लेस कर लेते हैं फाउंडेशन में सीमेंट कंक्रीट की भराई करके, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, स्लेज बनाते हैं, नीचे फाउंडेशन बनाने के बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सीवर को प्लेस करेंगे। ये वाला जरूरी है, इसको फाउंडेशन में इसको हम मिटा देंगे, ठीक। जो लेवल होगा उसको मिटा देंगे, उसके बाद ये वाला जो हमारा कंप्लीट होगा उसको हम क्या करेंगे, दिखा देंगे कि रिइंफोर्समेंट है, मतलब छत जाए सीवर के ऊपर। कंप्लीट का ये हमारा जो सीवर होगा उसी के ऊपर कंप्लीट का होगा, तो इसको हम इसका तरीके से दिखाते हैं। इसका डाया अभी आपको अभी इस वीडियो को मतलब वीडियो में मिटा के दिखाएंगे।
ये हमारा मिनिमम जो होगा वो 300 हो जाएगा। ये हम निकाल देंगे इसको x के रिलेटेड वैल्यूज, x के रिलेटेड वैल्यूज हो जाता है और सीमेंट ऑपरेट हमारा
रेक्टेंगुलर सीवर, फिर सर्कुलर सीवर, फिर सेमी सर्कुलर सीवर, फिर सेमी इलेक्ट्रिकल सीवर, अब आज हम पढ़ेंगे अंडाकार सीवर या एक सीवर। एक वृत्त खींच लीजिए, फिर इसके नीचे
और छोटा कर देते हैं, छोटा हो उससे ठीक। अब इसके बाद क्या कर लीजिए कि इसकी ये लाइन है इसको बनाना है। जब एक्चुअल से हिस्सा बनेगा तो जब आप बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा लगेगा।
प्रॉब्लम में आएगी तो पॉइंट में पूछा मैंने ये वो 10 मिनट लग जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका बेस चौड़ा है तो हम इसलिए
आज हम लोग पढ़ेंगे सीवर का अगला फिगर जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब आप बताया गया था कि जब सीवर को हाफ ऑफ पोर्शन में बनाया जाए तो हमारा नेक्स्ट है बनाएंगे
अब इसके बाद इसमें हमको यहाँ पे हमारा अर्थ सीवर, तो आप इसको बनाइए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। ये वाला दो साइड हो गया, सर्कुलर वाला।
हम बनाएंगे ब्रिक मशीनरी सीवर जब सर्कुलर हो। सबसे पहले क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम, ठीक लास्ट
12 mm thick mortar joint ratio होगा हमारा रिश्यू 4। ठीक, अब ये वाला जो वैल्यू होगा वो है 100 mm। 100 mm कि जुबली की साइज होगी 20 × 10 × 10 cm थिकनेस, तो थिकनेस वही। ठीक, अब देखिए कह रहा है जो इनर रिंग है, ये वाला जो इनर रिंग है ये है हमारा फर्स्ट क्लास इनर रिंग। इनर रिंग फर्स्ट क्लास, इनर रिंग हमारा जो है, जो ये अंतर्धनी वाला बनाया गया है, ये वाला जो होगा वो हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक का होगा। ठीक है, अब कवरिंग वाला जो ब्रिक होगा, रिकवरिंग वाला जो ब्रिक है, ये भी हमारा कवरिंग ब्रिक, कवरिंग ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो नाम मैं ऐसे रैंडम में दे रहा हूँ ताकि आप समझें। ठीक, और यहां जो ये नीचे वाला है, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, स्लरी की कोटिंग करेंगे, स्लरी कोटिंग। ठीक, स्लरी की कोटिंग कर देंगे और इसके बाद हमारा टोटल हो जाएगा। ये क्या है, फिगर किस चीज का है, ये फिगर है सीवर ब्रिक इन ब्रिक मैसोनरी। फिगर ले लीजिए, फिगर सर्कुलर ब्रिक मैसोनरी, सीवर। ठीक, ये कंप्लीट फिगर हो गया। इसके बाद सीवर का जो चैप्टर होगा वो क्लोज हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा समझ लेता हूँ, आप उसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में होगा नेक्स्ट। ठीक, तो आप इसको बना लिए होंगे।